इन साथियों, मैं आपके साथ एक और न्यूज़ के साथ जुड़ चुका हूँ। आज मैं बताने वाला हूँ जो शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय क्रमांक के एक भिंड जो है ना, उसमें कक्षा 11वीं के जो है ना फॉर्म मिलने लगे हैं। अन्य विद्यालयों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को भी फॉर्म दिए जा रहे हैं। ये फॉर्म वितरण का कार्यक्रम जो है ना शुरू हो चुका है, और जो फॉर्म आपको मिल जाएंगी उसके बाद जो फॉर्म है रिजल्ट आने के जस्ट बाद जो आपकी ऑनलाइन अंक सूची मिलेगी उसको आपको जमा करना पड़ेगा फॉर्म के साथ में। उसी के आधार पर जो आपका मेरिट जाएगा उसी के आधार पे आपके एडमिशन होंगे। तो आप जो है ना इसके लिए जो एक प्रोसेस है इसके लिए जो एक प्रोसेस है वो क्या, सबसे पहले आपको जाना है स्कूल पर, स्कूल से फॉर्म लेना है और फॉर्म को फिलअप कर लेना है। जैसे ही आप फॉर्म को फिलअप जब ही कीजिएगा जब आपका रिजल्ट आया, रिजल्ट के अनुसार जो भी डिटेल्स रिजल्ट मतलब जो मार्कशीट पे हो उसी के अनुसार आपको फॉर्म फिलअप करना है। और जैसे ही आपका रिजल्ट आता है फॉर्म फिलअप करके हल्के हल्के आपको जमा कर देना है। जैसे फिर आपका मेरिट लिस्ट उठेगा, मेरिट लिस्ट के आधार पर आपके जो है ना विभिन्न सब्जेक्ट्स में जैसे मैथ्स में और साइंस, आर्ट्स, एग्रीकल्चर्स, कॉमर्स या जो भी एडमिशन प्रोसेस है ना वो पूरी की जाएगी। सबसे पहले मेरिट सूची जारी की जाएगी, उसके आधार पे आपका जो एडमिशन होगा। आइए देखते हैं क्या है सूचना, जानने के लिए देखते हैं इसमें। ये 1/7/2021 को जारी किया गया शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय क्रमांक के एक भिंड में जो कक्षा 11वीं में प्रवेश हेतु अन्य संस्थाओं की कक्षा 10वीं उत्तीर्ण करने वाले छात्रों हेतु प्रवेश आवेदन पत्र दिनांक 1/7/2021 से कार्यालय से प्राप्त 11 बजे से वितरित किए जाएंगे। अन्य स्कूल के लिए हाई स्कूल परीक्षा 2021 का परिणाम घोषित होने के पश्चात मेरिट के आधार पर संस्था में जो रिक्त सीटों पर प्रवेश दिया जाएगा। अतः आवेदन जो प्रवेश आवेदन पत्र प्राप्त करने वाले सभी छात्र अपना प्रवेश पत्र परीक्षा परिणाम घोषित होने के पश्चात 3 दिवस के अंदर जो है ना नेट के द्वारा प्राप्त अंक सूची के इस संस्थान में जमा करेंगे, जिससे आपका जो है एडमिशन कंफर्म हो पाएगा और आप विभिन्न संस्थाओं में एडमिशन ले सकते हैं। ये जो जानकारी है ये जो शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के जो प्राचार्य हैं उनके द्वारा जारी की गई है। आपको ये न्यूज़ कैसी लगी आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, बेल आइकन को भी दबाएं जिससे आपको समय समय पर लेटेस्ट अपडेट जो है ना प्राप्त हो सके। इतना ही कहना चाहूँगा। जैन साथियों धन्यवाद, ऐसी ही न्यूज़ के साथ आगे भी मिलता रहूँगा। धन्यवाद।